दोस्तों आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल स्टडी जोन पर। दोस्तों कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर की डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन प्रोसेस को लेकर उम्मीदवार काफ़ी ज़्यादा चिंतित थे। जैसा कि दोस्तों आप सभी ने फॉर्म को फिल किया क्योंकि ऑन मेरिट बेसिस पर आप सभी को कम्युनिटी हेल्थ के अंदर यहाँ पर सिलेक्शन मिल रहा था। जैसा कि दोस्तों 5582 पोस्ट के लिए हर एक उम्मीदवार ने यहां पर फॉर्म को फिल किए और कई सारे उम्मीदवार सर्वर इशू के कारण वो फॉर्म फिल नहीं कर पाए। पर दोस्तों उम्मीदवारों को जो उम्मीदवार फॉर्म फिल कर चुके हैं उन्हें इंतज़ार है कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन प्रोसेस की जो तैयारी है वो कब से एनसीएम डिपार्टमेंट करेगा और हमारी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कब करेगा। जैसा कि दोस्तों आज जो है वो हो गया है कि जो डेट थी यानी कि जो विज्ञापन में आप सभी ने न्यूज़पेपर के अंदर जो एडवर्टाइजिंग छापी जाती है आप सभी की न्यू रिक्वायरमेंट को लेकर या डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन को लेकर, ऐसा ही आप सभी ने आर्टिकल हर जगह देखा था और वो न्यूज़पेपर की जो कटिंग में यह साफ साफ बताया जा रहा था कि अधिकारियों द्वारा यह बताया जा रहा है कि जो आप सभी के डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन प्रोसेस हैं वो 12 फरवरी से होकर 16 फरवरी यानी कि 4 दिन इस प्रोसेस को चलेगा। पर दोस्तों क्या हुआ इसके रिगार्डिंग अभी तक कोई भी इन्फॉर्मेशन दोस्तों नहीं निकल कर आ पाई है। तो यानी कि दोस्तों NHM द्वारा जो हेल्प डेस्क है उसका क्या कहना है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन को लेकर 5582 पोस्ट पर कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर की पोस्ट पर उनका क्या कहना है वो मैं आप सभी को बताने वाला हूँ। और इसके रिगार्डिंग उम्मीदवारों को मेल आ रहे हैं या नहीं आ रहे हैं क्योंकि इसके रिगार्डिंग जो हमारे टेलीग्राम चैनल है उस पर उम्मीदवार जुड़े हुए हैं और जो अपनी इन्फॉर्मेशन है वो लगातार साझा करते रहते हैं भर्तियों के रिगार्डिंग कि सर अभी तक इस प्रोसेस में कहा गया था कि इस समय तक होगा पर अभी तक नहीं हुआ, इसकी प्रोसेस क्या है, उसके बारे में जो भी लेटेस्ट अपडेट आए आप हमें तक साझा करिए और उम्मीदवारों द्वारा भी वो इन्फॉर्मेशन साझा की जाती है। तो क्या है पूरी अपडेट वो मैं आप सभी को दोस्तों बताता हूँ। तो बने रहिएगा हमारे YouTube चैनल स्टडी जोन के साथ, वीडियो पसंद आए तो लाइक करिएगा और ग्रुप में ये वीडियो जरूर शेयर करिएगा क्योंकि बाकी उम्मीदवारों तक भी यह इन्फॉर्मेशन पहुँच सके। अगर किसी रिगार्डिंग उन्हें मेल नहीं आया तब उन्हें क्या करना होगा दोस्तों, तो सबसे पहला स्टेप दोस्तों आप सभी के इसके ऑफिशियल वेबसाइट जो देख सकते हैं कि नेशनल हेल्थ मिशन यानी कि दोस्तों नेशनल हेल्थ मिशन डिपार्टमेंट ऑफ हेल्थ फैमिली वेलफेयर यहां पर गवर्नमेंट ऑफ यूपी के अंदर पे आप सभी को यहां पर देखने को मिलेगा। इसकी लास्ट जो अपडेट है वो 2 फरवरी 2024 के बाद यहां पर 17,000 पोस्ट के रिगार्डिंग में है और यहां पर जो आप सभी की जो यहां पर कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर की जो विज्ञापन जारी की गई थी 29 यहाँ पर जो है जनवरी 2024 को, उसके बाद कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर के रिगार्डिंग डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन प्रोसेस के रिगार्डिंग कोई भी इन्फॉर्मेशन नहीं डाली गई है। तो हेल्प डेस्क का क्या कहना है उसके बारे में मैं आपको पूरी इन्फॉर्मेशन दूंगा। पर दोस्तों अब जो आर्टिकल हैं वो क्या है उसके बारे में ही मैं आपको पूरी इन्फॉर्मेशन दोस्तों देने वाला हूँ। तो टेलीग्राम पर जरूर जुड़िएगा दोस्तों स्टडी जोन पर। दोस्तों अब दोस्तों बात कर लेते हैं कि आप सभी के रिगार्डिंग क्या बताया जा रहा है कि बताया जा रहा है कि जो इसकी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन है वो अधिकारियों द्वारा डीले की गई है, कुछ इसमें त्रुटियों को लेकर ऑन मेरिट बेसिस पर गठन किया जा रहा है जिसके कारण अधिकारियों को यह चीज़ करने में थोड़ा सा वक्त लग रहा है और इसलिए जो डेट मेंशन की गई थी विज्ञापन में क्योंकि उसमें आप सभी को यह तो कंफर्मेशन नहीं बताया गया था, एक लगभग अनुमान बताया गया था और वो अनुमान जो है वो फेल हो चुका है क्योंकि ऑन मेरिट बेसिस पर अभी तक जो है फाइल जो है वो तैयार नहीं है। पर दोस्तों अब यानी कि दोस्तों अगर आप कॉल करते हैं डायरेक्ट हेल्थ डेस्क से आपसे बात होती है तो उनका यही कहना है कि इसके रिगार्डिंग हमारे पास ऑफिशियली कोई जानकारी नहीं है क्योंकि उसके अंदर जो विज्ञापन थी जो आर्टिकल निकली थी उस पर मेंशन किया गया था 12 तारीख के लिए। पर दोस्तों 12 तारीख को लेकर यहाँ पर जो है ऑफिस से हमारे पास कोई भी ऐसी इन्फॉर्मेशन नहीं आई थी कि 12 तारीख से डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के प्रोसेस को जो है नियमतम पूरा किया जाएगा। पर दोस्तों ऐसी जो है बातें वो है न्यूज़ आर्टिकल में चल रही थी और विभाग द्वारा भी ऐसी कुछ जो है अनऑफिशियली अपडेट थी। पर दोस्तों उनका यह कहना है कि फरवरी के थर्ड वीक तक जो है आप सभी को इसके रिगार्डिंग नोटिस देखने को मिल सकती है ऑन मेरिट बेसिस पर और 25 या 26 तक संभावना जो बताई जा रही है दोस्तों लगभग अनुमानित डेट बताई जा रही है कि 25 या 26 फरवरी तक जो है आप सभी की जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन है वो यहाँ पर कराने की प्रोसेस जो है वो स्टार्ट कर दी जाएगी और जो उम्मीदवारों को जो मेल के थ्रू मैसेज जो किया जाएगा वो लगभग दोस्तों बताया जा रहा है कि आप सभी को 18 या 19 तारीख तक यानी कि 18-19 फरवरी तक इस मेल के रिगार्डिंग उन उम्मीदवारों को अपडेट किया जाएगा। तो यानी कि दोस्तों कुछ समय आप सभी को अपने डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के प्रोसेस में और भी इंतज़ार करना पड़ेगा और इसके रिगार्डिंग जैसे ही हमारे पास ऑफिशियली न्यूज़ आएगी या कोई आर्टिकल आता है तो आप सभी को सबसे पहले टेलीग्राम पर साझा कर दिया जाएगा
फिर आप सभी को BDM के माध्यम से पूरी इन्फॉर्मेशन जो है YouTube पर भी प्रोवाइड कर दी जाएगी। तो दोस्तों अभी के लिए ये अपडेट थी जो हमारे चैनल के माध्यम से आप सभी को शेयर किया गया। इसके रिगार्डिंग और हमारे पास कोई और इन्फॉर्मेशन आएगी तो आप सभी जरूर शेयर कीजिएगा। तो फिर मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में, तब तक दोस्तों जय हिंद।